कुदरत ने हर जानवर को बाकी जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए काबिल बनाया है, लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपनी सुरक्षा काफी विचित्र ढंग से करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से रूबरू करवाएंगे जिनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने वरदान ही दिया है। तो खैर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर रोल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। एसिड स्प्रेइंग एंट्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि चींटियों में फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है जिससे वे डंग मारती है, लेकिन जरा इन चींटियों की प्रजाति को देखिए जो कि डंग नहीं बल्कि सीधा फॉर्मिक एसिड की फायरिंग करती है, यानी कि स्प्रे करती है। दरअसल इन चींटियों की प्रजाति के शरीर में एक ग्रंथि में एसिड मौजूद होता है। इस एसिड की स्प्रे से ही अपने दुश्मन को तो भगा देती है, लेकिन अगर दुश्मन बड़ा हो तो ये झुंड में उस पर प्रहार करती है। आप इस चींटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पीबल टॉट, मेंढकों की यह प्रजाति बहुत रेयर पाई जाती है जो कि अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये मेंढक पूरे काले रंग के होते हैं। ये मेंढक अपने अलग शरीर के चलते तो जाने जाते हैं, साथ ही ये खुद को प्रोटेक्ट करने वाले कमाल के तरीके की वजह से भी जाने जाते हैं। दरअसल जब ये मेंढक किसी चट्टान पर होते हैं तो इन्हें लगता है कि कोई मकड़ी या कीड़ा इनका शिकार करने वाला है, तो ये खुद को चट्टान से नीचे गिरा लेते हैं और चट्टान से गिरते वक्त ही अपनी बॉडी को फोल्ड कर एक पत्थर का आकार दे देते हैं। हालांकि जब ये इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो इन्हें नुकसान कोई भी नहीं पहुंचता, क्योंकि इनका शरीर काफी मजबूत होता है और यही इनकी सबसे खास बात है। और जब खतरा टल जाता है तो ये बस आराम से चिल करते हैं। पेंगोलिन, अगर आप इस जानवर को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि इस जानवर को पेंगोलिन कहा जाता है, जो कि अजीबो गरीब बॉडी के चलते जाना जाता है। दरअसल इस जानवर की बॉडी पर काफी मजबूत और तीखे से ब्लेड मौजूद होते हैं जो इन्हें किसी अन्य जानवर से खुद की रक्षा करने के लिए मदद करता है। जब कोई जानवर इनका शिकार करने लगता है तो ये अपने सिर और पिछले हिस्से को जोड़कर अपनी बॉडी को एक गोलाकार स्थिति दे देते हैं और खुद उसमें छुप जाते हैं, जिसके कारण जब कोई शेर या अन्य जानवर इनका शिकार करने लगता है तो ये गोल गोल घूमते रहते हैं और इनकी बॉडी पर लगे मौजूद ब्लेड्स के कारण इनका शिकार हो ही नहीं पाता। क्या कमाल का फीचर है। नॉर्दर्न फुलमार, अब जरा आप इस पक्षी को ही देख लीजिए, ये खुद को प्रोटेक्ट करने का बड़ा ही अजीब तरीका रखते हैं। बता दें कि जब भी कोई जानवर इनका शिकार करने लगता है तो ये अपने मुंह से एक लिक्विड पदार्थ बाहर निकालते हैं और उन पर थूक देते हैं। वह लिक्विड पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि वॉमिट होती है, यानी कि उल्टी होती है। हैरान कर देने वाली बात है ये। साथ ही इनकी उल्टी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बेहद ही खतरनाक होते हैं और जो सामने वाला जानवर है उसकी मौत भी हो सकती है उसके आकार या उसकी सिचुएशन के हिसाब से। हॉर्न लिजार्ड, अब जरा आप इस लिजार्ड्स की प्रजाति को देखिए जो कि ज्यादातर मैक्सिको और साउदर्न अमेरिका में पाई जाती है। ये लिजार्ड काफी लेजी और आलसी होते हैं, इतना आलसी कि ये शिकार करने के लिए चलते फिरते भी नहीं, बस एक जगह बैठकर बस चींटियां खाते रहते हैं। आलसी होने के कारण कुछ जानवर इनका शिकार करने का सोचते हैं, लेकिन वह बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं क्योंकि इनके पास अपनी रक्षा करने के लिए बेहद ही खतरनाक हथियार होता है। ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आंख में अपनी बॉडी के खून की एक लंबी धार शिकारी पर स्प्रे करते हैं। इनके खून में थोड़ी मात्रा में टॉक्सिक मौजूद होता है। जब ये अपनी आंख से खून की पिचकारी निकालकर शिकारी पर मारते हैं तो उसे जलन होती है जिससे शिकारी भाग जाता है। हालांकि ऐसा करने से इनकी बॉडी का जो 30% ब्लड होता है वो निकल जाता है, लेकिन समय के साथ वो फिर से रिकवर हो जाता है। पावरकपिन, पावरकपिन जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि शेर और चीते जैसे जानवरों से खुद की रक्षा आसानी से कर लेते हैं। वीडियो में आप जो इनकी बॉडी पर लंबे नुकीले कांटे देख रहे हैं वही इनको बड़े बड़े जानवरों के हमले से बचाने में मदद करता है। इनके कांटे जो होते हैं उनकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। ऐसे में अगर कोई जानवर इनका शिकार करने लगता है तो बस फिर ये कांटे उन पर चुभ जाते हैं और शिकारी भाग जाता है। कमाल है। इलेक्ट्रिक इल, अगर बात करें इलेक्ट्रिक इल की तो यह ज्यादातर साउथर्न अमेरिका और अरोंको में पाई जाती है। यह दिखने में आम इल जैसी ही होती है, इनकी बॉडी थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन इनमें जो खास बात है वो है इनकी बॉडी से जो निकलने वाली बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इनकी यही खासियत इन्हें बाकी जीवों से खुद की रक्षा करने में मदद करती है। अगर कोई जीव इनका शिकार करने लगता है तो ये उन्हें बिजली का झटका देकर मार सकती है और या फिर दूर भी भगा सकती है। कमोडो ड्रैगन,
दोस्तों अब आप जरा इस जानवर को देखें जिन्हें आज के जमाने में डायनासोर कहा जाता है। ये कमोडो ड्रैगन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी रक्षा इनके खतरनाक दांत करते हैं। भले इनके दांत लंबे और नुकीले नहीं हैं, लेकिन इनके दांतों के बीच बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए अगर कोई बड़ा जानवर इनका शिकार करने लगे और ये उन्हें बुरे तरीके से काटे तो उस जानवर की मौत निश्चित है। ऐसे खूंखार जानवर के शिकार करने के बारे में सोचना बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। सेक्रेटरी बर्ड, अब आप इस पक्षी से मिलिए। इनकी पहचान इनकी लंबी टांगों से की जाती है और इनकी यही लंबी टांगें इन्हें बाकी जानवरों का शिकार होने से बचाती है। इन बर्ड्स का वजन करीब 4 किलो के आसपास होता है और ये अपने वजन से 5 गुना ज्यादा जोर लाती है। जी हाँ, ये अपनी टांगों की वजह से ज्यादा जान अपने में ले आती है। ये लात के वार से सांप जैसे जीवों को मार डालती है। ऐसे में अगर कोई जानवर इन्हें साधारण पक्षी समझे और इन्हें बस पेलने के लिए शिकार करने के लिए आ जाए तो भाई साहब उसका आखिरी दिन होगा, क्योंकि इसकी किक से बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कॉमेंट में हमें तो जरूर बता दीजिए। लैपटॉप ब्रांचम ब्रोंगी, आसान भाषा में इन्हें स्पाइनी टोड कहा जाता है। ये टोड चाइना में पाए जाते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इनके सिंग निकलते हैं। जी हाँ, इनके अपर लिप्स के ऊपर छोटे नुकीले सिंग होते हैं जिन्हें ये अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जीव इन्हें खाने आता है और कहता है कि इनको खा लेता हूँ तो बस ये सिंग निकालते हैं और उसे चुबा देते हैं और इनकी जान बच जाती है। दोस्तों कुदरत ने हर जानवर को एक अलग पहचान अलग खासियत दी है, लेकिन हर इंसान में भी अलग खासियत होती है। अलग ही फीचर नहीं खासियत अलग तो जरूर होती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल फाइनेस्ट लिस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए।